नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल SP फार्मेसी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ऑटोक्लेव के बारे में कि ऑटोक्लेव होता क्या है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आपको इन नोट्स को आप अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के आज हम बताएंगे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। दोस्तों, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोई हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ऑटोक्लेव के बारे में, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो इसका कंस्ट्रक्शन है, यह है एक स्ट्रॉन्ग मेटलिक चैम्बर है होता है। इसके अंदर स्टेनलेस स्टील फिट रहती है। यह अपने आप में सुरक्षित है। इसमें 8 स्क्रू क्लैंप्स होती हैं और इसमें एक प्रेशर गेज भी होता है और एक एयर वेंट होता है। एक सेफ्टी वाल्व होती है और इसमें विंग नट भी होती है और इसमें परफोरेटेड बास्केट भी होती है और इसमें हैंडल भी होता है। तो ये सभी कंस्ट्रक्शन के अंदर आती हैं। अब इसमें क्या बताते हैं कि वर्किंग इन सब का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, कैसे कैसे क्या यूज होता है इन सब का। तो वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग है, यह जो चैम्बर है इसमें सफिशियंट क्वांटिटी में प्योर वाटर भरने के बाद परफोरेटेड चैम्बर को रिमूव कर दिया जाता है और कुछ समय के लिए उस वाटर को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। जब तक हल्का गर्म हो जाता है तो उसमें अपने बने हुए सॉल्यूशन में, जब हम कोई कंटेनर में जब कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन के हमें रिमूव जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए उसमें हम रख देते हैं उस सॉल्यूशन को, थोड़ा सा गर्म होने के बाद पानी के। उसमें एक परफोरेटेड बास्केट होती है जिसकी सहायता से वह कंट्रोल हो जाता है और सॉल्यूशन को रखने के बाद वह ऑटोक्लेव बंद कर दिया जाता है। बंद कर दिया जाता है इनके स्क्रू के द्वारा, जो 8 स्क्रू क्लैंप्स होती है ना, इनके द्वारा वह बंद कर दिया जाता है। और इस बंद करने के बाद उसमें जो 8 स्क्रू क्लैंप्स होते हैं उन्हें अच्छे से कस दिया जाता है और जो सेफ्टी वाल्व होती है उसका काम है ऑटोक्लेव में ज़्यादा प्रेशर होने पर उसमें से उसके अंदर से प्रेशर को मेंटेन रखना। और जो प्रेशर गेज होता है उसका काम है कि ऑटोक्लेव के अंदर कितनी परसेंट प्रेशर बन गया है यह बताना। और इसमें जो 5 मिनट तक सॉल्यूशन का भाप में गर्म करना है, इसमें 5 मिनट तक सॉल्यूशन के भाप में सॉल्यूशन को भाप में गर्म करना है। जब हमारा सॉल्यूशन स्टरलाइज हो जाता है तो स्विच ऑफ करके ऑटोक्लेव में अपने आप गैस को धीरे धीरे से निकलने दे और जब वह कूल हो जाए तो अपना सॉल्यूशन बाहर निकाल लें। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। दोस्तों, हम आपको लाइव पढ़ाते हैं। अगर आप हमारे कुछ सब्सक्राइबर से अगर तेज़ी से बढ़ें, अगर 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो हम आपको लाइव पढ़ाया करेंगे। क्यों, मुझे एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है वीडियो को, तो इसलिए आप प्लीज़ हमें प्रोटेक्शन दें, सहायता करें हमारी। तो एडवांटेज क्या है इसके, इसे हम स्टेराइजेशन में ऑफिशियल इंजेक्शन को बनाने में यूज़ करते हैं। आगे समझ में, इसे हम स्टेराइजेशन में ऑफिशियल इंजेक्शन को बनाने में यूज़ करते हैं। पॉइंट टू है, हम बड़े ऑटोक्लेव में एक बैच के लार्ज क्वांटिटी वाले मटेरियल को एक साथ स्टरलाइज कर सकते हैं। इसमें यह इतना बड़ा एक बहुत बड़ा ऐसी होती है, जैसे कोई वो नहीं है 15-20 किलो की बाल्टी होती है, इस इतनी शेप में होता है वो। ऑटोक्लेव में ड्राई हीट के अकॉर्डिंग ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब फोर्थ पॉइंट है, स्टरलाइजेशन के इस मेथड का यूज़ सर्जिकल ड्रेसिंग और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। ऑटोक्लेव में हम कंटेनर और क्लोज़र को स्टरलाइज्ड करते हैं। डिसएडवांटेज इसका, स्टरलाइजेशन का यह मेथड पाउडर और ऑयल के लिए अनसुइटेबल है। यह मेथड ख़राब हुए मटेरियल को स्टरलाइज करने में सुइटेबल नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसा कि हमने आपको बीच में कुछ बताया होगा तो उस पर आप प्लीज़ एक बार गौर जरूर करें। और तो दोस्तों, आप मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।